नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडी टाइम्स में। और आज का सबसे बड़ा मुद्दा है लोकसभा चुनाव 2024। हमारे साथ मौजूद हैं त्रिभुवन सर, जो शिक्षक के साथ साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आइए इनसे जानते हैं आज के चुनाव के कुछ अहम पहलू को। धन्यवाद आनंद जी, यहाँ आमंत्रित करने के लिए इस मंच पर। और जो चुनाव के नतीजे हैं वो काफ़ी टक्कर देने वाले हैं, जैसा हमें लग रहा था पहले से ही कि कांग्रेस ने इस बार काफ़ी मेहनत की है। और राहुल गांधी ने जैसे पूरा भारत भ्रमण किया, पूरे भारत का दौरा किया, तो उसका कहीं ना कहीं एक असर हमें दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अभी 207 और 315 पर एनडीए, 207 पर इंडिया चल रही है। तो ये एक टक्कर है कि एक बार कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस बार मजबूत विपक्ष सामने आने वाला है एनडीए के सामने। ये एक रुझान जो अभी के हैं, और वो ख़ास तौर पर जब हम देखें उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को जहां से बीजेपी बनी, आने ये जो रुझान हमें कुछ दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे रुझान ये सामने आ रहे हैं कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में ही ख़त्म होगी। क्योंकि अभी जो समाजवादी पार्टी का साइकिल है वो बहुत तेज़ गति से चल रहा है, जो रुझान अभी आ रहे हैं आपके सामने हैं। जैसे आप पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे जहाँ कांटे की टक्कर रहती है टीएमसी के साथ, तो वहाँ भी स्थिति काफ़ी भयावह टक्कर वाली बनी हुई है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो खास तौर पर उलटफेर करते हैं, और इसका एक असर हमें सेंसेक्स पर भी देखने को मिल रहा है कि 2000 अंक नीचे लुढ़क गया है। 2200 सेंसेक्स नीचे हो गया है, और शेयर मार्केट कितनी तेजी से नीचे गिरा है ये आप सब लोग देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो बाजार पर भी काफ़ी बड़ा असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी नतीजे हैं वो काफ़ी अपने आप को बदल देने वाले हैं, या कह सकते हैं कि वे ऐसे नतीजे, ये नतीजे ऐसे हैं कि काफ़ी कुछ उलटफेर कर देने वाले नतीजे हैं। और जब ये उलटफेर कर देने वाले नतीजे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें भी उत्तर प्रदेश राज्य से ही आती हैं, और ये लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट बनी वो राम मंदिर और ऐसे कुछ विशेष मुद्दों को लेकर बनी। तो उत्तर प्रदेश ने ही बीजेपी को बनाया और एनडीए को बनाया, और आज कहीं ना कहीं जो रुझान अभी हमें देखने को मिल रहे हैं कि 80 सीटों में 43 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के प्रति हैं और 40 सीटें जो हैं एनडीए के प्रति हैं। तो यहाँ हमें यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश है ये एक निर्णायक स्टेट के रूप में हमेशा से उभर कर आया है। क्योंकि कहा गया है, पहले भी कई बार ये कहावतें चली हैं कि जहां उत्तर प्रदेश और बिहार जिसके सपोर्ट में आ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है, एक बिहारी तो, सब पे भारी है। तो ये बात उत्तर प्रदेश के लिए भी लागू होती है कि यूपी और बिहार के भैया जहाँ वोट डाल देते हैं वहाँ पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जैसे अभी भी आप देखेंगे तो बहुत कांटे की टक्कर है उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में ही। आप देखिए 45 और 35 का रेशियो चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, और ये रेशियो अपने आप में काफ़ी बढ़ावा देने वाला और अपने आप को देखा जाए तो काफ़ी कुछ सोचने और विचारने वाला बना हुआ है। तो ये अपडेट लगातार आती रहेगी, हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इस बार जो काउंटिंग भी है काफ़ी सोच समझ कर की जा रही है, और सोचने समझने के साथ साथ उसमें ये आरोप जो इलेक्शन कमीशन पर पहले से लगते रहे हैं वो आरोप भी इलेक्शन कमीशन चाहता है कि हटे और बड़ी पारदर्शिता के साथ पूरी वोटिंग की जाए। तो इसी तरह के अपडेट आते रहेंगे, जारी रहेगा अभी आगे का भी। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने इस बार दावा किया था कि 400 प्लस सीटें आएंगी उसकी, और इंडिया गठबंधन ने ये वादा किया था कि 296 प्लस सीटें उनकी रहेंगी। 273 सीटें होती हैं एक बहुमत सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस पे क्या मानना है? देखिए, अभी कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये केवल और केवल उन्होंने एक सिनेरियो तय किया था, एक नंबर दे दिया था, चार की बार 400 पार ऐसा करके, जिसमें विपक्ष उलझा रह गया। उनका मानना ये था कि उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कहा था, और ये सही भी है। और इससे पहले जो बहुत ही मेरे आदर्श हैं प्रशांत किशोर जी, काफ़ी मतलब उनको कौन नहीं जानता, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो। प्रशांत किशोर जी ने पहले भी इस चीज़ पर फोकस करके बताया था, वो लगातार इस बात पर कह रहे थे कि
किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 272 सीटें प्लस होनी चाहिए, वो जीत जाता है, वो सरकार बना सकता है, बहुमत में आ जाता है। ये 400 पार का आंकड़ा केवल और केवल भ्रमित करने के लिए दिया गया है। तो वही बात सेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों के बाद, अंतिम चरण के बाद एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि ये तो हमने केवल और केवल एक बात बोली थी, कहीं हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये भी एक मजाक जैसा बनकर सामने आए। और ये भी कहा उन्होंने कि एक आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, ताकि कार्यकर्ता जो है और ज़ोर शोर से काम कर सके, इसके लिए भी उन्होंने ये कहा। लेकिन 400 पार जाना ये अपने आप में एक अतिशयोक्ति तो था ही पहले से ही। ये कोई भी एक अच्छा राजनीतिक विशेषज्ञ इस चीज़ को बता सकता है कि 400 पार जाना भारत जैसे देश में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आज का ये जो रिज़ल्ट है पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा जो उदाहरण रखने वाला है कि एक लोकतंत्र 75 साल का हो गया है और आज भी उसी तरह से चल रहा है जैसे हमने कामना की थी। जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे जो देश हैं, दूसरे देश हैं, स्वतंत्र देश हैं, उन्होंने, वहाँ के राजनीतिज्ञों ने ये भी कहा था कि ये ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाला देश नहीं है, यहाँ पर तानाशाही या राजशाही आ जाएगी फिर से। लेकिन ये लोकतंत्र ही है, लोगों के द्वारा जो ताना बाना बुना गया है राजनीति का, उसका ही सहयोग है कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रिजल्ट देखने के लिए बैठे हुए हैं और ये चल रहा है। और इस तरह के 400 पार ये हमारे चुनाव की खूबसूरती ही है कि कोई भी नेता बोलता है इस चीज़ को लेकर और सभी लोग लग जाते हैं उसमें पूरे जोर शोर के साथ, ढोल बाजे के साथ, गाने बाजे के साथ। तो ये एक अतिशयोक्ति थी और कुछ नहीं। इस पर हम सर फिलहाल रुझान चल ही रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अगर आगे चल रही है तो बीजेपी आगे चल रही है, गुजरात से बिल्कुल सभी सीटों से आगे चल रही है बीजेपी। देखिए कोई भी पार्टी अगर है तो सत्ता से अगर जा रही है तो ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वैप हो जाएगा। अगर कोई पार्टी आ रही है तो ये नहीं है कि वो सभी जगह से आ जाएगी। यही मैंने कहा कि ये देश की खूबसूरती है, भारत जैसे लोकतंत्र देश की खूबसूरती है कि यहाँ सभी लोगों को एक समान रूप से अधिकार दिया गया है कि भाई आप अपना प्रतिनिधि चुनिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप आवाम की आवाज किसी को भी कोई भी एक तरफ से जीत जाएगा या एक तरफ, राजशाही या तानाशाही तो है नहीं। तो सही है कि बैलेंस ये होना ज़रूरी है, एक हेल्दी कंपटीशन होना ज़रूरी है। अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं है तो अगर कोई एक ही व्यक्ति राजा बना रहेगा तो वो तो अपनी तानाशाही चलाएगा, सीधी सी बात है। तो इसी वजह से अगर गुजरात में आगे चल रही है, उत्तर प्रदेश में कोई पीछे चल रहा है, तो ये क्या कॉम्पिटिशन है? एक ऐसा लोकतंत्र, एक ऐसा स्वस्थ लोकतंत्र हमारे सामने बनकर खड़ा हो जाता है इस चीज़ को लेकर कि हाँ, इस देश में न्याय के साथ हर किसी के विचारों को, हर किसी के बातों को रखा जा रहा है। तो ये चुनाव में लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी 29 सीटों पर एनडीए अभी आगे है, उत्तर प्रदेश में 45 और 34 का रेशियो चल रहा है, 45 एनडीए और इंडिया 34। ये इंडिया का 34 यानी इंडिया गठबंधन का 34 आना अपने आप में एक काफ़ी कांग्रेस बीजेपी को ये सोचने पर मजबूर कर देगा, एनडीए की पूरी टीम को सोचने पर मजबूर कर देगा कि गलती क्या रही। जबकि जिस मुद्दों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े जाते रहे हैं, जैसे राम मंदिर है, या अगर मैं यहाँ से कहूँ गलत नहीं हूँ मैं, तो धार्मिक चीज़ों को लेकर भी चीज़ें बोलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं या सारे जो टर्म्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे। तो ये यहाँ पे बीजेपी को अब ध्यान देना होगा, अगर यहाँ पर मैक्सिमम सीटें इंडिया की आ जाती हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचना होगा कि क्या वाकई में ही, क्या वाकई ही कोई गलती हुई है बीजेपी से इस बार उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से बीजेपी उठी है, तो क्या आने वाले समय में बीजेपी इसी राज्य में ही ख़त्म होगी या कुछ नया सिनेरियो तय होगा? ये सब देखने वाली बातें होंगी आने वाले समय में। तो ये अपडेट हमारी लगातार आती रहेगी और इसके लिए हम जुड़े रहेंगे लगातार इस पर। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद, हम आगे फिर मिलते हैं।